हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू क्लास सेकेंड, चैप्टर फोर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फोर, हेल्पफुल एनिमल्स। हेल्पफुल एनिमल्स जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी किस तरीके से सहायता करते हैं। हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने वो चैप्टर्स रीड एंड लर्न किए होंगे और अपने नोटबुक में भी कंप्लीट कर रखे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फोर, हेल्पफुल एनिमल्स। वी टेम सम एनिमल्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। हम कुछ एनिमल्स को पालते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे आर हेल्पफुल टू अस, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। We keep them on farms and eat the backyard of our homes. We keep them on farm and हम उनको फार्म, खेत में रखते हैं, या फिर अपने घर में जो पीछे जगह होती है, या फिर बरामदे में रखते हैं। हम हमारे घर पे उन एनिमल्स को रखते हैं। They are called domestic animals. उनको क्या कहा जाता है? घरेलू जानवर। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वो क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर या घरेलू जानवर। जैसे उनमें कौन कौन से आते हैं? बफेलो, काउ, डंकी, गॉट, कैमल्स एंड हॉर्स आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स। ये कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे बफेलो, काउ। इनको किस लिए यूज किए जाते हैं? मिल्क के लिए। डोंकी और गॉट को मिल्क के लिए, और डोंकी और कैमल और हॉर्स जिसको अपन किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, एक सामान लादने ले जाने के लिए उनको यूज किए जाते हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल्स, तो ये क्या है? अपने डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। अब देखिए, एनिमल्स गिव अस फूड। जो एनिमल्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम मिल्क। मिल्क काउ, बफेलोस, गॉट एंड सिप गिव अस मिल्क। काउ, बफेलो, गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। मिल्क इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। मिल्क क्या है? जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। कैमल्स एंड याक ऑल्सो गिव अस मिल्क। कैमल और याक भी हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। जैसे अब देखिए, मिल्क से काउ जो मिल्क से क्या बनता है? कर्ड, पनीर, बटर, चीज, क्रीम, घी। जो दही है, पनीर है, बटर है, चीज है, क्रीम बनती है, घी बनता है, ये सब किससे बनता है? मिल्क से बनता है। और मिल्क कहाँ से मिलता है? काऊ या बफेलो या गॉट से। तो ये मिल्क के प्रोडक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, मीट गिविंग एनिमल्स। जो एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मीट देते हैं। We get meat from many animals. हम प्राप्त करते हैं मीट। गेट यानी प्राप्त करना। मीट कहाँ से? बहुत सारे एनिमल्स से। मीट इज ऑल्सो ए बॉडी बिल्डिंग फूड। मीट भी क्या है? एक हमारे शरीर का निर्माण करने वाला फूड है। जैसे हैन, सिप, गोट, पिग, लैम और फिश, इनसे मीट प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट अपना है एग्स। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन। हमें एग कहाँ से मिलता है? गेट प्राप्त करते हैं एग्स फ्रॉम हैन। हैन से हम एग प्राप्त करते हैं। एग्स आर ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग फूड। एग को भी क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। इससे भी शरीर का निर्माण होता है, हमारी बॉडी बनती है। एग्स आर ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड। एक अच्छा सोर्स है प्रोटेक्टिव फूड, यानी ये एक प्रोटेक्टिव फूड जिससे हमारे बॉडी में
क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और ताकत होती है, प्रोटेक्टिव फीड, जो जो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, तो इसको किस में माना जाता है, प्रोटेक्टिव फूड में माना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए हनी, नेक्स्ट देखिए हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, वी गेट हनी, हम शहद प्राप्त करते हैं कहाँ से, हनी बी, जो मधुमक्खी से हम शहद प्राप्त करते हैं। हनी बी कलेक्ट नेक्टर और फ्लावर जूस फ्रॉम फ्लावर्स, हनी बी जो मक्खी होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, कलेक्ट करती है क्या, नेक्टर, नेक्टर किसको बोलते हैं, फ्लावर जूस, जो फ्लावर्स से वो जूस लेती है, फ्रॉम फ्लावर्स, कहाँ से लेती है, फ्लावर्स से लेती है, उसको बोलते हैं नेक्टर, या उसको हम बोल सकते हैं फ्लावर जूस, नेक्टर जो फ्लावर्स से प्राप्त करती है और उसको कलेक्ट करती है, एंड कलेक्ट देम इन द हनी बी, और एंड कलेक्ट देम इन ए बी हाइव, और वो कलेक्ट करती है कहाँ पे, बी हाइव, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें वो कलेक्ट करती है अपना शहद, जो फ्लावर जूस होती है वो कहाँ से लेके आती है, फ्लावर से लेके आती है, और वहाँ पे ले जाके अपने छत्ते में कलेक्ट करती है। वी गेट हनी फ्रॉम दिस बी हाइव, और हमें शहद प्राप्त होता है उस बी हाइव से, उस मधुमक्खी के छत्ते से। हनी इज ए वेरी गुड एनर्जी गिविंग फूड, और हनी है बहुत अच्छा होता है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, और इसको क्या माना जाता है, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन। अब देखिए डायग्राम से देखिए, ये क्या है, फ्लावर है, और फ्लावर पे क्या है, हनी बी है, जो क्या कर रही है, इसका रस ले रही है, फ्लावर जूस ले रही है, और फिर ये इस जूस को ले जाके कहाँ कलेक्ट कर रही है, हनी बी, सो बी हाइव में, ये जो इसका छाता है यहाँ पे ले जाके कलेक्ट कर देती है, और फिर इस कलेक्ट करके इससे क्या बनता है, हनी बनता है, शहद बनता है, और इस तरीके से अपन शहद प्राप्त कर सकते हैं। मैन टेकिंग आउट हनी फ्रॉम बी हाइव, जैसे कि ये शहद ले रहा है इस छाते से। अब ये तो था कि हनी हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे हमें प्राप्त होता है, कैसे हम हनी प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स गिव अस क्लोथिंग, एनिमल्स जो हमें और भी क्या देते हैं, क्लोथिंग, कपड़े भी देते हैं, वो किस तरीके से देखें देते हैं, आइए देखिए। सम एनिमल्स गिव अस विथ क्लोथ, सम एनिमल्स गिव अस विथ क्लोथ, सॉरी, सम एनिमल्स हेल्प अस विथ क्लोथ्स, कुछ एनिमल्स जो हेल्प करते हैं किसमें, क्लोथ्स में। देखिए, वी गेट वुल एंड फर फ्रॉम शिप एंड यार्क्स, वी गेट वुल, हम वुल कहाँ से प्राप्त करते हैं और फर कहाँ से, शिप से और यार्क से, जिनसे क्या बनता है, वुलन क्लोथ बनते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम कैमल्स, और हम लेदर कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैमल से, और सिल्क, सिल्क से कहाँ से, जो सिल्क हम देखते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, लेदर होता है, सिल्क होता है, सिल्क के कपड़े होते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से हमें प्राप्त होते हैं, और हमें वुल और फर कहाँ से मिलती है, सिप और याक से। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हमारी क्लोथिंग में भी हेल्प करते हैं, कि वो हमें कपड़े भी, उनसे हमें कपड़े भी मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एनिमल्स जो हमें, जिनसे हमें ट्रांसपोर्ट की भी हेल्प मिलती है, देखिए कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कैमल्स, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, और देखिए कैमल, हॉर्स और एलिफेंट, इनसे हम, ये हमें किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में भी, जो हैवी लोड, भारी सामान होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे हम इन पे लाद के ले जाते हैं। एनिमल्स हेल्प अस इन एग्रीकल्चर, और एनिमल्स एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं, जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। काउ, बफेलो एंड ऑक्सिन हेल्प इन द फार्मिंग, ये खेती में भी हेल्प की जाती है इनसे। और बर्ड सच एज हैन और डक हेल्प इन द पोल्ट्री फार्मिंग, और इनसे
जो इनका पालन किया जाता है, हैन का और डक का, इनसे क्या होती है पोल्ट्री फार्मिंग भी की जाती है इनका पालन करके जते, जैसे कि पशुपालन किया जाता है। अब देखिए हॉर्स कार्ड और ऑक्स फार्मिंग इस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि एनिमल्स, हेल्पफुल एनिमल्स, कि एनिमल्स किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, मिल्क देते हैं। जैसे मिल्क से हमें कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, कर्ड, पनीर, बटर, घी, क्रीम चीज, ये क्या है मिल्क प्रोडक्ट है। फिर वो हमें क्या देते हैं, मीट देते हैं। मीट वो भी क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, इसको भी खाया जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जिससे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट वो हमें क्या देते हैं, एग देते हैं, जिस जो हमें जो एग जिसको हम प्रोडक्टिव फूड के रूप में यूज करते हैं। फिर वो हमें हनी देते हैं, हनी जो एनर्जी गिविंग फूड होता है। फिर हम उनका क्लॉथिंग के रूप में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कि वो हमें कपड़े देते हैं। फिर वो ट्रांसपोर्ट के रूप में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से कि एनिमल्स हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि एनिमल्स की हमें केयर करनी चाहिए और उनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और उनकी हेल्प हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं और हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ये गलत होता है। और उनको हमें हेल्प करना चाहिए जिस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं उसी तरीके से। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आप एनिमल्स की केयर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।